स्टूडेंट, मैं सब स्नेहा राय फ्रॉम डेरियन पब्लिक स्कूल बक्सर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच साइंस फ्रॉम क्लास 6 चैप्टर 6। चैप्टर 6 है हमारा चेंज अराउंड अस, मींस हमारे आसपास में परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, जैसे कि चेंजेस बदलाव के बारे में हम लोग को जानना है इस टॉपिक में। तो फर्स्ट होता है फिजिकल चेंजेस, सेकेंड होता है केमिकल चेंजेस। ओके, तो आज हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस। वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों को सेंड कर चुकी हूँ। फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस अफेक्टिंग द फॉर्म ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन। भौतिकी परिवर्तन का एक ऐसा प्रभाव है जो कि भौतिकी पदार्थों को रासायनिक पदार्थों में बदल सकता है, बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन, लेकिन यह रासायनिक रचना नहीं है। कंपोजिशन मीन्स होता है रचना। फिजिकल चेंजेस आर यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट कंपाउंड्स बट कैन नॉट यूजली बी यूज्ड टू सेपरेट कंपाउंड्स इनटू केमिकल एलिमेंट्स और सिंपलर कंपाउंड्स। फिजिकल चेंजेस आर यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर, जो भौतिकी परिवर्तन होता है उसका यूज किया जाता है पदार्थों के मिश्रण को अलग करने में, जो घटक होते हैं कंपाउंड्स होते हैं उसको अलग करने में। बट कैन नॉट यूजली बी यूज्ड टू सेपरेट, बट लेकिन इसका केवल यूज अलग करने में ही, पदार्थों के घटक को अलग करने में ही नहीं होता है। केमिकल एलिमेंट्स और सिंपलर कंपाउंड्स, केमिकल एलिमेंट्स यानी कि रासायनिक तत्वों में भी और सिंपलर घटक यानी कि कंपाउंड्स में भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस ऑक्यूर व्हेन ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंसेस अंडरगो अ चेंज दैट डज नॉट चेंज देयर केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिकी परिवर्तन में पाए जाते हैं जब पदार्थों को अलग किया जाता है, अ चेंज दैट डज नॉट चेंज, तो वो अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं देयर केमिकल कंपोजिशन में। जब वो रासायनिक परिवर्तन होता है उनका, तो वो अपना रूप आकार चेंज नहीं करते हैं। दिस कॉन्ट्रास्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल चेंजेस इन विच द कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंसेस चेंजेस। दिस कॉन्ट्रास्ट, यह जो प्रक्रिया है यह केवल यह जो भौतिकी परिवर्तन की प्रक्रिया है यह अच्छे गुणों के साथ साथ विरोधाभास भी है। यानी कि इसमें पदार्थ क्या होते हैं, जुड़ भी जाते हैं। चेंज इन विच द कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंज और वन और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन और ब्रेकअप टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। इसमें एक से अधिक नए पदार्थ बन भी जाते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं वो टूट के अलग भी हो जाते हैं। इन जनरल अ फिजिकल चेंजेस इज रिवर्सिबल यूजिंग फिजिकल मीन्स। इन जनरल अ फिजिकल, सामान्य रूप से फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिकी परिवर्तन को कहा जा सकता है इज रिवर्सिबल यूजिंग फिजिकल मीन्स, यानी कि रिवर्सिबल मीन्स होता है ये अचल नहीं होते हैं, अपरिवर्तनीय नहीं होते हैं, इनमें बदलाव हो सकता है यानी कि ये परिवर्तनीय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर कैन बी रिकवर्ड बाई अलाउइंग द वाटर टू इवापोरेट। अगर नमक को पानी में मिलाया जाता है और उसको इवापोरेट किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वाष्प बन के जल उसमें से बाहर हट जाता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंजेस ऑक्यूर व्हेन अ सब्सटेंस कंपाउंड विद अनदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस। रासायनिक प्रक्रिया जो होती है वो पाई जाती है जब पदार्थ कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से जोड़े होते हैं विद अनदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस। एक दूसरे पदार्थों से जब पदार्थ जुड़े होते हैं कॉल्ड सिंथेसिस, और अल्टरनेटिवली डिकम्पोजिस इंटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। इनके नाम है, इनको कहा जा सकता है सिंथेसिस, अल्टरनेटिवली डिकम्पोजिस इंटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। इस प्रक्रिया को कहा जा सकता है रासायनिक प्रभाव, रिएक्शंस मीन्स होता है प्रभाव, एंड इन जनरल आर नॉट रिवर्सिबल एक्सेप्ट बाई फर्दर केमिकल रिएक्शंस। लेकिन इससे सामान्य रूप से इसके रिवर्सिबल यानी कि ये परिवर्तनीय होते हैं रासायनिक रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में ये परिवर्तनीय होते हैं।
Some reactions produce heat and are called exothermic reactions. Exothermic means होता है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया. Some reactions produce जो कुछ पदार्थ रिएक्ट करके वो जो न्यू अगले पदार्थ बनाते हैं heat and are called उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया. एंड अदर में रिक्वायर हीट टू इनेबल द रिएक्शंस टू ओक्योर विच आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक तो हो गया हमारा और एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक जब पदार्थ रिएक्शन करके उनको प्राप्त कर लिया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा शोषी प्रक्रिया. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में कि कैसे इनमें बदलाव होता है, क्या करने पे ये चेंज हो जाते हैं और क्या करने पे ये चेंज नहीं होते हैं. सो स्टूडेंट्स आज हम लोग 46 पेज नंबर के बारे में जाने हैं. नेक्स्ट डे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में जानेंगे. सो थैंक यू माई लवली स्टूडेंट, हैव अ गुड डे.